प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा में एचडीएफ संरक्षक निर्मल सिंह पर यूपी में गोवंश की हत्या का मामला दर्ज हुआ है और इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। वहीं इस मामले में अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने एचडीएफ संरक्षक निर्मल सिंह पर जमकर हमला बोला है। विधायक ने कहा कि ये निर्मल सिंह का असली चेहरा है जो सबके सामने आया है और इनका तो इतिहास भी ऐसा ही रहा है। विधायक ने कहा कि हमारा समाज गाय को जानवर नहीं माता कहता है और ऐसे गोवंश के हत्यारे समाज में मान्य नहीं है। विधायक ने कहा कि इस मामले में जो भी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। ये समाज उनको पहले जिस प्रकार से उन्होंने जो उनकी इतिहास रहा है उस नाते उनकी एक भूमिका को जानता है और जो दूसरा पक्ष है हम गौ माता को कभी भी हमने जानवर की श्रेणी में रखा माता कहते हैं क्योंकि चाहे गौमूत्र हो गौ अपशिष्ट हो दूध हो दही हो घी हो गौ माता के शरीर का एक एक जो अवयव है वो इंसान का अपने बच्चों की भांति रोम रोम जो है पालन करता है और उस नाते हम गौ को माता कहते हैं। इस भारत के अंदर गौ को माता मानने वाले इस देश के अंदर जो गौ वंश के हत्यारे हैं गौ वंश के ऊपर हमला करने वाले लोग हैं उस समाज में कहीं भी मान्य नहीं है और उनका इतिहास रहा है पहले इंसानों के साथ और अब तो गौ वंश गौ माता के साथ इस प्रकार के उन्होंने अपराध किए हैं। समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। उनका चेहरा समाज के सामने आया है और आज वो स्पष्टीकरण देते घूम रहे हैं। स्पष्टीकरण से समाज कभी भी इस बात को लेके जो उनका इतिहास रहा है उनको माफ़ नहीं करेगा और मेरा क्लियर मानना है कि इसके अंदर जो भी बनती कार्रवाई है वो होनी चाहिए। दरअसल निर्मल सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ गोवंश की हत्या का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है तो वहीं इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि अब देखना होगा कि निर्मल सिंह विधायक असीम गोयल के कटाक्ष का क्या जवाब देते हैं। बता दें कि 2018 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था जब वो कांग्रेस में मंत्री पद पर थे लेकिन उस मामले में तो निर्मल सिंह बरी हो गए थे। अब देखना होगा कि इस मामले में निर्मल सिंह पर आगे क्या कार्रवाई होती है। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।